हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वीरेंद्र विराट। आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट क्लासेस पर। आज मैं आप लोग को सदिश एवं अदिश मतलब स्केलर एंड वेक्टर बताने जा रहा हूं। इसे मैं बिल्कुल आसानी तरीके से एक ट्रिक से बताऊंगा, इतना अच्छा ट्रिक जो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर सदिश और अदिश है क्या। तो सदिश लिखा जा रहा है दिशा की दृष्टि से राशियां दो प्रकार के होते हैं। देखिए, डायरेक्शन दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी को दिशा बोलते हैं। तो दिशा की दृष्टि से मतलब उसके नजर से राशि जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। There are two types of physical quantities in the sense of direction. यानी दिशा के दृष्टि से राशि दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। आपसे पूछा जाएगा कि राशियां कितने प्रकार के होते हैं या फिर दिशा की दृष्टि से राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। चलिए देखते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। देखिए, दिशा की दृष्टि से कहा जा रहा है मतलब डायरेक्शन भी होता है इसमें शामिल। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यानी हिंदी में कहेंगे तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए, केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होता है वे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? यानी भौतिक के नियमों को, फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। यानी जो फिजिक्स, इसका जो नियम है जिन पद में हम दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हीं पदों को बोलते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां को पूर्ण रूपेण व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अगर केवल परिमाण की आवश्यकता होगा। परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसका मान। जैसे कहा जाए कि एक बर्तन है जिसमें 5 लीटर दूध अटता है, तो 5 लीटर जो दूध अटा वही उसका परिमाण हुआ। यानी उस बर्तन का परिमाण कितना हुआ? 5 लीटर। या कहा जाए मेरे पास एक थैला है जिसमें 4 केजी कोई सामान अटका है, तो मेरे थैले का जो परिमाण हुआ 4 केजी, 4 केजी जो बोल रहे हैं वही परिमाण हुआ। समझ गए? परिमाण का मतलब कुछ ना कुछ उसका मान। अगर केवल मान की जरूरत पड़ेगा तो उसको बोलेंगे अदिश राशि। जैसे बोला जाए समय, आपसे कोई पूछेगा कि कितना समय हो रहा है, टाइम क्या है, आप बोलेंगे 8 बज रहा है या 12 बज रहा है या 3 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं, ये केवल परिमाण बताए मतलब एक मान बताए कि 8 बज रहा है। ये नहीं बोलते हैं कि पूरब की ओर 8 बज रहा है, यानी डायरेक्शन नोट नहीं करते, डिनोट नहीं करते, केवल समय बताए, केवल परिमाण आप बताते हैं 8 बज रहा है या 3 बज रहा है। यानी केवल परिमाण की जरूरत पड़ रहा है। कार्य, यानी आप यदि कुछ काम करते हैं तब बोलते हैं। जैसे कोई बोला कि मैं आज बहुत काम किया, ये नहीं बोलता कि मैं आज उत्तर दिशा की ओर बहुत काम किया या पश्चिम की ओर बहुत काम किया, नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होता है कार्य किया। ताप, कोई पूछा आज का तापमान कितना था, कोई बोले कि आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था या 35 डिग्री तापमान था, तो 35 डिग्री ये सिर्फ मान बता रहे हैं, यानी यही परिमाण हुआ। ये नहीं कहते कि 35 डिग्री दक्षिण की ओर था, ऐसा नहीं बोलते। यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होता है उसे बोलते हैं अदिश राशियां। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां। तो अदिश का उल्टा होता है सदिश, सदिश का उल्टा अदिश। तो अदिश में केवल परिमाण, तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगा। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, वेग, यानी किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी मतलब डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है।
जैसे देखिए एग्जांपल देकर के समझाते हैं आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे बोला जाए 5 मीटर, देखिए 5 मीटर, 5 मीटर क्या है, एक मान बता रहे, केवल मान है। 5 मीटर किधर, किसी दिशा की ओर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, केवल मान है। तो 5 मीटर क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, क्या होगा, अदिश राशि होगा, क्योंकि केवल परिमाण है। लेकिन अगर बोल दिया जाए 5 मीटर टू ईस्ट, मतलब 5 मीटर पूर्व की ओर, या फिर 5 मीटर पूर्व से, पूर्व से कितने मीटर, 5 मीटर। अब इसमें डायरेक्शन क्या होता है, 5 मीटर, ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, एक मान बता रहा है 5 मीटर, ईस्ट ये दिशा हो गया, परिमाण भी है दिशा भी, 5 मीटर टू ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब विस्थापन है, यानी सदिश राशि, चूंकि परिमाण भी है दिशा भी है। तो पहले बताया कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आएंगे वो सदिश, और जिसमें केवल परिमाण आएगा उसे अदिश। लेकिन चलिए आज हम ट्रिक बताने के लिए बोल रहे आप लोगों को, तो बिल्कुल आसानी से ट्रिक बता रहे, तो आप समझ रहे थे परिभाषा, अब ट्रिक बिल्कुल आसानी से समझा है। चलिए अब ट्रिक लिखते हैं, चलिए तो अब हम आप लोगों को ट्रिक समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अधिस राशि के लिए ट्रिक, पहला ट्रिक है, दो दो ट्रिक बताएंगे। पहला ट्रिक, उस आद्रता को चाबी दो, उस आद्रता को चाबी दो, ये ट्रिक है, ये वाक्य के रूप में दिया गया है जो आपको इससे आसानी से समझ में आएगा। तो उस क्या हो, उस हो जाता है ऊर्जा, स उस, स हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्र द्र से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएंगे ताप, को मतलब का से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएंगे देखिए चार, वी से विद्युत धारा, ठीक है, और दो मतलब दा, यानी ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये सब हो जाएंगे अधिस राशि, उस आद्रता को चाबी दो। अगर ये ट्रिक नहीं याद रहा, ये नहीं समझ में आया, तो चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं, ये और आसान है। उसका दाल एमएससी से आता है, यानी उसका दाल यहां से नहीं आता है, कहां से आता है, एमएससी से आता है उसका दाल। देखिए उसे ऊर्जा, क्लियर है, उसे ऊर्जा, ऊर्जा उसे ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, बिल्कुल सिंपल सा, दा से चले दाब, ल से लंबाई, बिल्कुल इजी है, एम से मास, मास मतलब द्रव्यमान, एस से स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, इंग्लिश का वर्ड लिया गया, सी से करंट मतलब धारा, अरे से डबल के लिए लिया गया वाक्य में, आ से आयतन, ता से ताप, और जो है वो सेटेबल के लिए, यानी उसका दाल एमएससी से आता है, ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करण, आयतन, ताप, ये सब क्या है, सभी है अधिस राशि, यानी ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करण, आयतन, ताप, सब क्या है, अधिस राशि। तो ये अधिस राशि के लिए ट्रिक था, चलिए अब सदिश राशि का ट्रिक देखते हैं। सदिश राशि पहला ट्रिक है विषुवत बल, विषुवत बल, विषु से बताया गया विस्थापन, व से वेग, त से देखिए त से आपका बताया गया त्वरण, त से क्या बताया गया है, त्वरण बताया गया, और बल से बल, यानी विषुवत बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। चलिए ये ट्रिक नहीं समझ में आता है, देखिए दूसरा ट्रिक समझते हैं। आवावेवी त्वम भाषण, संस्कृत का शब्द लिया गया, संस्कृत का वाक्य लिया गया, आवावेवी त्वम भाषण, मतलब आओ बेबी तुमको मारते हैं, आओ, आ से आवेग, ब से बल, वे से वेग, वी से विस्थापन, त्व से
त्वरण, भा से भार, सम से संवेग। देखिए आ से आवेग, व से बल, आवा मतलब आवेग बल, वेगी वे से वेग, वी से विस्थापन, वेग विस्थापन, त्व से त्वरण, भा से भार, सम से संवेग। यानी आवेग बल वेग विस्थापन त्वरण भार संवेग ये सब क्या हो गए सदिश राशि। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद पड़ता है तो कृपया विराट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।